हाय फ्रेंड, दिस इज आमिर खान। सोयल और एंड आमिर खान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि शीट के बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। कुछ लोग ये नहीं जानते कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि शीट में बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं। आइए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ, कुछ नया सीखते हैं। सेक्शन में आपको स्प्रेडशीट पे अगर बैकग्राउंड लगाना है तो आप सबसे पहले एमएस एक्सेल 2010 को ओपन कर लीजिए। ये फीचर 2010, 13 और उससे ज़्यादा के वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले के वर्जन में ये फीचर नहीं दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कि आप इस शीट पर, जो शीट आपको दिख रही है, इस शीट पर आप कोई भी बैकग्राउंड या कोई भी इमेज अपने मनपसंद का कैसे लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए आप सबसे पहले पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का। जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर रखेंगे तो लिख के आ जाएगा चूज एन इमेज टू डिस्प्ले एज द बैकग्राउंड ऑफ द शीट। तो आप कोई भी एक इमेज इस पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अपने कंप्यूटर पर पहुँच जाएंगे। आप जहाँ भी इमेज रखे हैं आप वहाँ पर जाइए और अपने इमेज को सेलेक्ट कीजिए। देखिए, जैसे मैं कार की फोटो लगाता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे मैं इस फोटो को सेलेक्ट किया और यहाँ से इंसर्ट जैसे ही करेंगे आपका शीट पे बैकग्राउंड लग जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप अपने शीट पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जितनी बड़ी शीट रहेगी वो फोटो उतनी ही रिपीट करके लगी रहेगी, इससे आपकी शीट की थोड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसे जिस चीज़ पर आप बना रहे हैं आप उसका भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको इसी बैकग्राउंड को हटाना है, अगर ये आपको फोटो अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको हटाना है तो आप कैसे क्या करेंगे, आप पेज लेआउट में ही आएंगे और देखेंगे जहाँ बैकग्राउंड था वहाँ डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है। आप उस पर क्लिक कर देंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये होता है बैकग्राउंड लगाना, वो भी एमएस एक्सेल में। अगर मेरे चैनल सोहेल एंड आमिर खान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।